मेहुल चौकसी की। भारत में 13,500 करोड़ के घोटाले का आरोपी, पिछले करीब दो साल से भारत की कानून व्यवस्था से बचने की कोशिश कर रहा था। एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के मुताबिक मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए डोमिनिका लेकर गया था और वहीं पर पकड़ा गया। मेहुल चौकसी पहले क्या था और अब क्या हो गया है, इन दो तस्वीरों से समझिए। पुरानी तस्वीर में चौकसी तंदुरुस्त दिख रहा है, लेकिन नई तस्वीर में वो कमजोर सा दिख रहा है। मेहुल की ये तस्वीरें आई हैं कैरिबियाई देश डोमिनिका से, जहां की जेल में वो बंद है। ये फ्लाइट देख रहे हैं, हो सकता है कि इसी फ्लाइट से मेहुल चौकसी अगले दिनों में डोमिनिका से भारत लाया जा सकता है। दावा है कि इस विमान से भारत सरकार ने मेहुल के खिलाफ दस्तावेज भेजे हैं। The Indian government has sent certain documentation from the courts in India to confirm that you know Mr. Chokshi is indeed a fugitive and Dominica एक कैरिबियाई देश है जिसकी आबादी मात्र 72,000 है। भारत में पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला करने के बाद मेहुल चौकसी 2018 में विदेश भाग गया था। बाद में पता चला कि मेहुल ने 2017 में कैरिबियाई देश एंटीगा की नागरिकता ले ली थी। डोमिनिका एंटीगुआ के बीच की दूरी सिर्फ 188 किलोमीटर है। सूत्रों के मुताबिक वो एंटीगुआ से नाव के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। इंटरपोल की नोटिस के बाद डोमिनिका की सीआईडी ने उसे पकड़ लिया। शनिवार को डोमिनिका के मीडिया में पहली बार उसकी तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में मेहुल की आंख और हाथ में चोट के निशान है। ये चोट उसे कैसे लगी, भारत में उसके वकील से सुनिए। उसमें मेहुल चौकसी जी ने अपने हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस बताया कि उनको जॉली हार्बर एंटीगा से पिक कर लिया गया था फोर्सिबली बाय अ ग्रुप ऑफ मेन और उनको ले जाया गया डोमिनिका में। जब वहां डोमिनिका पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही खड़ी हुई थी। उनकी बॉडी पे ब्रूसेस मार्क्स हैं, उनकी एक आंख से ब्लड भी आ रहा है, आई सूजी हुई है। उसके भांजे और पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को भी लंदन से भारत लाने की पूरी कोशिश हो रही है। इंतजार है तो उस वक्त का जब ये तीनों घोटालेबाज भारतीय जेल की सलाखों के पीछे होंगे।